हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 7, लेसन नंबर 1, न्यूट्रिशन इन प्लांट। लेसन नंबर 1, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ओके, देन व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द न्यूट्रिशन? हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 7, लेसन नंबर 1, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द न्यूट्रिशन? व्हेन एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म गेट ऑल कंपोनेंट ऑफ फूड, दिस इज कॉल्ड द न्यूट्रिएंट्स एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। व्हेन लिविंग देन कंपोनेंट्स मे बी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ओके, दीज आर कॉल्ड द न्यूट्रिएंट्स and component. When example, when we eat the chapati and there is component is mixed with the carbohydrate and we apply the butter and ghee and oil on it, na, this is included in fat. Okay, so these are all, these are components of food are called the nutrients and we are studying the nutrients in plant. Hum plant ke nutrients ke bare mein yahan par study kar rahe. Okay, to yahan pe aa jayega the mode of nutrition in plant. That mode of nutrition means the nutrition enable living organism to build their bodies, to grow, repair damaged parts to their bodies and provide the energy to carry out life process. कि जब भी कोई भी अगर न्यूट्रेंट उन्हें मिलेगा, जिस फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स और वाटर ये सब मिक्स होगा प्लांट की हेल्दी ग्रोथ के लिए, तो उससे क्या होगा, उसकी हेल्दी ग्रोथ होगी, उसको एनर्जी मिलेगी, वो इजीली ग्रोथ कर सकेगा प्लांट। इस तरह से लाइक दिस वी when we eat food na, then we get energy. Like the same to same plant eat food, they get energy and they can grow the healthier. Okay, and these are all organisms, all organisms need of the nutrients in their food, and plants nutrients are they using the water, carbohydrate and minerals. Okay, plant ka food kya hota hai? वाटर, कार्बोहाइड्रेट जो एटमॉस्फेयर से मिलती है और मिनरल्स जो उनको सोइल से मिलते हैं. ओके, एंड न्यूट्रिएंट्स एनेबल जो होते हैं वो वहाँ पर उनकी बॉडी बिल्डिंग, जब भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी बॉडी को बनाते हैं, उनको ग्रो करते हैं. लाइक दिस हम किसी भी सीड को ग्रो करते हैं तो उसके अंदर हमने वाटर दिया, यहाँ से एटमॉस्फेयर से उसको कार्बन डाइऑक्साइड मिला, यहाँ पे वाटर मिला और यहाँ पे इसके मिनरल्स जो थे इसको सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम मिला, तो ये यहाँ पे इसकी सीडलिंग हो गई. पहले स्टेम, इसकी रूट निकली, स्टेम निकला, फिर धीरे 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 बड़ा हुआ, ब्रांचिंग हुई, लीव्स निकली, फिर इसके लीव्स के बाद में इस पर फ्रूट लगा. तो यह सारा प्रोसेस जो इसका कंप्लीट होता है फूड का, वो सब किससे होता है? क्योंकि इसको ये सब चीज़ें प्रोवाइड हो जाए तभी उसकी हेल्दी ग्रोथ होगी. ओके, एंड सो दिस इज़ कॉल्ड अ न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन इज़ कंपल्सरी फॉर द हेल्दी ग्रोथ एंड डैमेज सेल्स रिपेयरिंग. ओके, कोई भी किसी को लाइक दिस प्लांट को या लीव्स को हम ब्रेक करते स्टेम को तो उसकी जगह पर फिर से न्यू ग्रो हो जाता है ना, दिस इज़ द डैमेज रिपेयरिंग. ओके, एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन आई सेड हाउ दे टेक द फूड एंड विच टाइप ऑफ फूड दे टेक एंड दिस इज कॉल्ड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन. हम किस तरह का वे प्लांट फूड गेट कर रहे हैं, वो उनका फूड को गेट करने का जो मेथड है वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है. अकॉर्डिंग टू दिस प्लांट्स आर टू टाइप्स, ऑटोट्रॉफ्स एंड हिटरोट्रॉफ्स. ऑटोट्रॉफ्स विच प्रिपेयर देयर ओन फूड, एंड ऑल ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स. एंड विच आर डिपेंडिंग ऑन द अदर प्लांट्स फॉर द फूड, दीज आर कॉल्ड द हिटरोट्रॉफ्स. दे डोंट प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड ऑल हिटरोट्रॉफ्स आर द नॉन ग्रीन प्लांट. ओके, अंडरस्टैंड बेटा? नाउ द फोटोसिंथेसिस. इट व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस? When the green plant prepared their own food in the presence of carbon dioxide, okay, carbon dioxide, water, and in the presence of green pigment chlorophyll and sunlight, they prepared their own food and it is converted into carbohydrate food. It is called the starch. Okay, and starch is maybe ग्लूकोज. वो ग्लूकोज होता है, स्टार्च के फॉर्म में अगर वो फूड बनाते तो वो होता है कार्बोहाइड्रेट फूड एंड ऑक्सीजन उससे रिलीज हो जाती है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. व्हेन द ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल एंड वाटर,
दिस प्रोसेस इज कोल्ड फोटोसिंथेसिस। आया आपको समझ में कि ग्रीन पिगमेंट, जितने भी ग्रीन प्लांट होंगे वही अपना फूड सेल्स बनाएंगे, क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल नाम का ग्रीन पिगमेंट होता है। और कहाँ पे होता है? लीव्स के अंदर प्लांट की। ओके, दे सिंथेसिस प्रिपेयर फूड फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड देयर फूड ओकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इट इज कोल्ड द फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स कम्बाइंड। ओके, आप समझ गए कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन क्या होती है, और ये बहुत कंपलसरी होती है जितने भी ग्रीन प्लांट है उनकी हेल्दी ग्रोथ के लिए। बिसाइड द लीव्स, फोटोसिंथेसिस ऑल्सो टेक प्लेस इन द अदर ग्रीन प्लांट ऑफ इन द ग्रीन स्टेम इन ग्रीन ब्रांच। द डेजर्ट प्लांट हैव द स्केल और द ग्रीन स्टेम विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो होता है वो जितने भी ग्रीन होते हैं उन सब में होता है। हम मोस्ट ऑफ ग्रीन किस में होती है? लीव्स ही होती है। तो लीव्स में, इसके सिवा स्टेम भी ग्रे हो सकता है और उसके दूसरी जो ब्रांचिंग वगैरह होती है वो भी ग्रीन हो सकती है। देखिए, लाइट, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से मिल रही है, ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल लीफ में प्रेजेंट होता है, वाटर एंड मिनरल सोइल से मिल रहे हैं, और ये क्या रिलीज़ कर रहा है? ऑक्सीजन को रिलीज़ कर रहा है, और ये सब चीज़ें वो ले रहा है। ओके, ये कहलाती है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, जिसके अंदर ऑक्सीजन रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। दिस इज द इंटरनल डायग्राम ऑफ द लीफ। लीफ होती है कोई भी, उसका इंटरनल डायग्राम जो है, अगर हम लीफ का कोई सेक्शंस काटेंगे, ये लीफ है, इसका एक्सटर्नल डायग्राम है, एसिटीज हमको जो दिखती है, यहाँ से हम काटेंगे इसको, माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करेंगे तो हमें इसका इंटरनल डायग्राम इस तरह का दिखेगा, जिसके अंदर हमें दिखेगा कि यहाँ पर ग्रीन पिगमेंट क्या चीज़ है। यहाँ पे देखिए, क्लोरोफिल सब ग्रीन ग्रीन सेल्स दिख रही है। ओके, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी होती है वन सेल से स्टार्ट होती है, ठीक है, सेल से स्टार्ट होकर के टिश्यूज़ बनते हैं और उनकी बॉडी बनती है। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे ग्रीन जो दिख रहा है इसका भी, यहाँ पर जो हाई पावर के माइक्रोस्कोप होते हैं उसमें स्टडी करते हैं तो इस तरह की जो होती है स्टोमेटा दिखाई देते हैं। लीव्स के ऊपर क्या होते हैं? ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे स्टोमेटा होते हैं जो माइक्रोस्कोप में इस तरह के दिखते हैं। स्टोमेटा के अंदर ही कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर आती है और ऑक्सीजन यहाँ से निकल जाती है। ओके, एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस जो होता है लीफ के स्टोमेटा के अंदर होता है, और इसकी सेल को बोलते हैं गार्ड सेल। अंडरस्टैंड? तो इसका इंटरनल डायग्राम था जो माइक्रोस्कोप में देखते हैं। नाउ दिस द एक्टिविटी नंबर वन, टेक टू पोटेड प्लांट्स एंड सेम काइंड एंड कीप वन इन द डार्क 472 hours एंड अदर इन द सनलाइट। कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दिस आर यूज टू सिंथेसिस other components of food such as protein and fats, but proteins are nitrogenous substances which contain nitrogen. From where do plants obtain nitrogen? And recall that nitrogen is present in abundance in the gaseous in the air. यहाँ पर आपको समझ में आया कि ये एक्टिविटी किसके बारे में दी हुई है? ओके, यू टेक द टू पोटेट। ओके, आपने टू पोटेट प्लांट्स के ले लिए, सेम टू सेम। ओके, जैसे सेम टू सेम प्लांट्स इसके अंदर ग्रो किए हुए, एक को कहाँ पे रख देना है? डार्क रूम में, और एक को कहाँ रख देना है? सनलाइट में। फिर इनको ऑब्जर्व करना है 72 hours के तक। 72 hours में इनको 3 days तक ऑब्जर्व करना है। 3 days के बाद में आप देखोगे इसके अंदर ग्रोथ नहीं हुई है प्लांट की, थोड़ा सा कैसा हो गया है, एकदम मुरझाया लाइक दिस, नॉट प्रॉपर ग्रोथ एंड इट इज़ डेड लाइक दिस प्लांट। और ये वाला प्रॉपर ग्रोथ कर रहा है, एकदम हेल्दियर एंड ग्रीन लीव्स, विथ ग्रीन लीव्स के साथ में। वाई? बिकॉज दिस इज प्रूफ द ग्रीन प्लांट्स नीड ऑफ द सनलाइट। ओके, क्योंकि सनलाइट के प्रेजेंट में वो कार्बोहाइड्रेट फूड बनाते हैं, और वो जो उनकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजन में, जो उसको कन्वर्ट कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है और वहाँ पे सिंथेसिस कंपोनेंट फूड का प्रोटीन एंड फैट्स बनते हैं। वो प्रोटीन्स जो होते हैं नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस बनाते हैं। जो नाइट्रोजन होती है, जहाँ भी कोई भी प्लांट ग्रो करेगा तो उसको यहाँ पे मिनरल्स मिलते हैं, उस मिनरल्स के अंदर एक आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो होता है प्लांट्स की हेल्दी ग्रोथ के लिए एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है। ओके, दिस इज द एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर द प्लांट ग्रोथ। एंड नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन एब्यूडेंसेस इन गैसेस इन एटमोसफियर ऑल्सो दिस प्रेजेंट एंड हाइएस्ट अमाउंट ऑफ द नाइट्रोजन, बट डायरेक्टली प्लांट कांट टेक द नाइट्रोजन, दे कैन गेट द नाइट्रोजन ओनली थ्रू द सोइल। देयर आर सो मैनी बैक्टेरियाज इन साइड द सोइल, दिस बैक्टेरियाज आर कॉल्ड राइजोबियम बैक्टेरिया एंड दे प्रोवाइड द नाइट्रोजन
to the plants by do the nitrogen fixation. Rhizobium नाम के bacteria soil के अंदर होते हैं, वो उसको nitrogen fixation करके indirectly रूप से plant को nitrogen provide करवाते हैं. और nitrogen से ही जो होते हैं उसके अंदर बहुत सारे nucleic acids वगैरह बनते हैं, proper growth करता है, proteins बनते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे हमारे एटमोसफियर में हाइएस्ट अमाउंट होता है नाइट्रोजन का, लेकिन फिर भी उसे डायरेक्टली गेन नहीं कर सकते. ओके, तो इस तरह से आप एक्टिविटी में आपने पढ़ा कि किस तरह से सनलाइट बहुत कंपलसरी है. नाउ द अदर मोड ऑफ द न्यूट्रिशन इन प्लांट, द ऑटोट्रॉफ्स इज कम्प्लीटेड एंड फोटोसिंथेसिस रिएक्शन इज ऑल्सो इंक्लूड इन द ऑटोट्रॉफ्स. एंड ऑटोट्रॉफ्स मीन्स दे प्रिपेयर देयर सेल्फ फूड ऑन ओनली प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स आर इंक्लूड इन ऑटोट्रॉफ, सिर्फ ग्रीन प्लांट ही उसमें इंक्लूड होंगे. अब सेकंड मोड ऑफ न्यूट्रिशंस कौन सा हो, हेटरोट्रॉफ्स. हेटरोट्रॉफ्स मीन्स विच डोंट प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्लांट फॉर द फूड. ओके, यहाँ पे प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं. अब इसके अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं हेटरोट्रॉफ्स, वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं. जैसे लाइक दिस कसकट्टा, कसकट्टा आपने सुना है अमरबेल, ऐसी पतली सी बेल होती है वो. यहाँ पे कोई ट्री या कोई भी उसके पास प्लांट लगा उसके ऊपर लिपट के यहाँ पे उससे अपना फूड लेती रहती है, यहाँ पे क्लाइंबर की तरह से. तो ये कहलाती है पेरासाइट, जो दूसरे प्लांट के ऊपर फूड के लिए डिपेंड रहते हैं और ये होस्ट की तरह से वहाँ पे रहते हैं और जो गेस्ट होता है उससे अपना फूड जो होते हैं वहाँ पे उससे लेते रहते हैं, वो कहलाते हैं क्या, पेरासिटिक प्लांट्स. ओके, पेरासिटिक. यहाँ पे देखिए अमरबेल या कसकट्टा का एग्जांपल दिया है, यहाँ पे सब तरफ ये बड़ा सा ट्री है, इस ट्री के ऊपर यहाँ पे ये पूरा कसकट्टा आ गया और ये इस ट्री से सारा अपना फूड ले रहा है, ये एज ए होस्ट है. ठीक है, तो दोज प्लांट्स आर डिपेंड ऑन द अदर प्लांट्स फॉर द फूड एंड दे टेक फूड फ्रॉम द अदर प्लांट्स एंड दे आर सर्वाइव एज ए होस्ट. दीज आर कोल्ड द पेरासाइट. एन एग्जाम्पल कसकट्टा, अमरबेल. ओके, एंड सेकंड होता है इंसेक्टिवरस प्लांट. सम प्लांट ईट द इंसेक्ट. कुछ प्लांट देखिए यहाँ पर पीचर प्लांट का एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये क्या करता है इंसेक्ट जो होते उसको यहाँ पर ईट कर लेता है. ईट करने के बाद में जैसे यहाँ पर देखिए इसका यहाँ पर ये फ्रूट है, ये जैसे कोई इंसेक्ट पास में आता है तो इसको यहाँ पे इसके स्टिक हो जाता है, स्टिकी इसकी यहाँ पे सरफेस होती है और वो अपने अंदर इसको ले लेता है. इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो गया, इंसेक्ट को ईट कर रहा है. सो दीज आर कोल्ड द इंसेक्टिवरस प्लांट एंड दिस एग्जांपल इज पीचर प्लांट. आप सब मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉफ्स के ध्यान से पढ़िएगा विथ एग्जाम्पल के साथ में. एक वन हो गया पेरासाइट, वन इज हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, वन इज पेरासाइट एंड अदर इज इंसेक्टिवरस. ओके, एंड पीचर एंड पेरासाइट इज एग्जाम्पल कसकट्टा. ओके, कसकट्टा एंड इंसेक्टिवरस इज एग्जाम्पल पीचर प्लांट. ओके, अब है सेप्रोफाइट्स. थर्ड सेप्रोफाइट्स, वेन द एनी प्लांट दे टेक द फूड फ्रॉम द डिकेड एंड डेड प्लांट ऑर्गन्स, दे डेड और डिकेड प्लांट ऑर्गन्स और डेड और डिकेड फूड, दीज आर कोल्ड द सेप्रोफाइट्स. वो सेप्रोफाइट्स कहलाते हैं, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन सेप्रोफाइट, जो डेड और डिकेड जो फूड होता है उससे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं. ठीक है, इसका एग्जाम्पल लाइक दिस जो होता है फंगस. फंगस आपने देखी है, फंगी जिसे बोलते हैं, कि समटाइम आपने चपाती या ब्रेड देखी है उसको एक दो दिन रहने दीजिए, उसके ऊपर वाइट वाइट कलर की या येलो येलो कलर की इस तरह से ग्रोथ हो जाती है, दिस इज कोल्ड अ फंगी. एंड फंगी इट इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन बिकॉज इट्स टेक इट्स फ्रूड फ्रॉम द डेड एंड डिकेड मटेरियल. ओके, एंड लाइक दिस पिकल, लेदर, प्योर लेदर है एंड क्लोथ्स, प्योर क्लोथ्स लाइक दिस कॉटन क्लोथ्स, जितनी भी एनिमल से बनी हुई चीज़ें होती है उन सब के ऊपर फंगस मिलती है. पिकल्स जो होते हैं उसके ऊपर अगर वो ख़राब हो जाएगा लाइक स्पॉल होना स्टार्ट हो जाएंगे पिकल्स अचार. एंड लेदर अगर प्योर एनिमल्स के स्किन का लेदर है तो उसकी भी फंगस लगेगी. क्लोथ्स जो प्योर जो प्लांट से मिला हुआ कॉटन जो है उसके बने हुए क्लोथ है उस पर भी फंगस लगेगी. ओके, नाउ सी देयर सिम्बायोसिस रिलेशनशिप. व्हाट इज सिम्बायोसिस रिलेशनशिप? सिम्बायोसिस व्हेन व्हेन टू प्लांट्स टेक बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर. ओके, दो प्लांट एक साथ रहते हैं, दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट मिलता है. इसका एग्जांपल मैं देती हूँ लाइचेन. ओके, सबको एग्जांपल के साथ याद कीजिएगा. लाइचेन के अंदर एल्गी और फंगी दोनों एक साथ रहते, एल्गी एंड फंगी. ओके,
फंगी मैंने आपको बता दिया, जो फंगस आपकी चपाती वगैरह पे आ जाती है, और एल्गी एक काई जैसे ग्रीन 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 कलर के जो प्लांट होते हैं, प्लांट जैसे दिखते हैं ग्रीन ग्रीन, हाँ एकदम स्मॉले साइज के ना, उनके रूट होता है ना स्टेम, लेकिन ग्रीन ग्रीन इन रेनी सीजन में आपको कोई मॉइस्ट जो वॉल है ओल्ड वॉल उसके ऊपर दिखते हैं, पॉन्ड के अंदर दिखते वो एल्गी। तो ये एल्गी और फंगी दोनों मिलकर के एक साथ रहते तो दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट होता है, इनकी ये रिलेशनशिप कहलाती है सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। इसका एग्जांपल है लाइचेन। ओके, एल्गी एल्गी से तो फंगस क्या करती है, फूड लेती है, और एल्गी को ये अपने यहाँ पे रहने की जगह देती है, तो दोनों एक साथ अपनी लाइफ को सर्वाइव करते हैं। दिस इज कॉल्ड लाइचेन, और जहाँ पे लाइचेन होता है वो नॉन पोल्यूटेड एरिया का एक बहुत अच्छा सिम्बॉल होता है। आगे आपको समझ में, तो आपको किस तरह कितने टाइप के मैंने मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ाए थे, हिट्रोट्रॉफिक में, ऑटोट्रॉफिक्स में था ओनली प्लांट फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, और हिट्रोट्रॉफ्स के अंदर पैरासाइट हुआ फर्स्ट, सेकंड हुआ इंसेक्टिवरस, थर्ड हुआ सेप्रोफाइट्स, एंड फोर्थ हुआ है आपके सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। तो फोर टाइप्स के हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपने पढ़े विथ एग्जांपल के साथ में पढ़िएगा, कि फर्स्ट जो था पैरासाइट, एग्जांपल कसकटा, सेकंड जो था उसके अंदर जो फंगस आई थी उसमें एग्जांपल उसका क्या था, फंगस था सेप्रोफिटिक का, एंड मशरूम भी हो सकता है, मशरूम भी आपने सुना है एक तरह की एस्परगिलस जो होती है वो मशरूम, वो भी एक तरह की फंगस होती है, भी सेप्रोफिटिक का अपना जो होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन करती है। एंड सिम्बायोटिक्स का एग्जाम्पल है लाइचेन। ओके, इंसेक्टिवरस का प्लांट है पीचर प्लांट। नाउ हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेस इन द सोइल, मैंने आपको बोला था कि सोइल जो होती है उसके अंदर यहाँ पे कोई भी प्लांट ग्रो कर रहा है तो सोइल से अपने जो होते मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है, तो मिनरल्स कैसे उसके अंदर आ जाते हैं, लाइक दिस सम डेड लीव्स एंड स्टेम्स आर फॉल डाउन ऑन द अर्थ एंड देयर इज द सोइल ऑलरेडी ना, देन दे स्टार्ट टू डिकम्पोज एंड कन्वर्टेड इन टू द वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल, डस्ट लाइक पार्टिकल्स, एंड मिक्स विद द सोइल, एंड लाइक दिस दे रिप्लीश इन द सोइल एंड प्रोवाइड द सोइल टू मिनरल्स। जो भी डेड जो फॉर लाइक दिस आपके कोई भी प्लांट वगैरह है उसकी लीव्स जमीन पर गिर गई है, कोई भी स्टेम वगैरह, या किसी एनिमल्स ने काऊ ने काऊ डंग दिए तो उसकी वो सब, तो सब सोइल के अंदर वो क्या हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी, ड्राई होने के बाद बैक्टीरिया उसके अंदर डिकम्पोजिशंस करते हैं और उसको डस्ट लाइक पार्टिकल में बना देते हैं, वो सॉइल में मिक्स हो जाती है, सॉइल में मिक्स होकर के ये उसको क्या प्रोवाइड कराते हैं सॉइल को, उसके अंदर नाइट्रोजन पोटेशियम फॉस्फोरस नाम के मिनरल्स प्रोवाइड हो जाते हैं सॉइल में, और यह बेस्ट जो होती है फर्टाइल सॉइल बन जाती है। ऐसी सॉइल के अंदर जो भी प्लांट ग्रो करेगा उसकी हेल्दी ग्रो होगी, और फर्टाइल सॉइल का बेस्ट एग्जांपल जो होता है वो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। जितनी भी पल्सेस या ग्राउंड नट होती है उसकी रूट जो होती है, रूट के अंदर राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया सिम्बायोसिस रिलेशनशिप करके अपना लाइफ सर्कल करता है, यहाँ पे लाइफ साइकिल जो है सर्वाइव करता है राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया। उससे क्या फ़ायदा होता है, सिम्बायोसिस में मिलता है ना, दोनों को बेनिफिट होता है। तो ये प्लांट तो इसको यहाँ पे रहने का स्पेस दे रहा है, इसको फूड दे रहा है, राइजोबियम क्या कर रहा है इसके रूट नोड्यूल्स के अंदर रह करके इसको नाइट्रोजन प्रोवाइड करा रहा है, जो प्लांट के लिए हेल्दी ग्रोथ के लिए कंपलसरी होती है। और राइजोबियम बैक्टीरिया जितनी भी लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, लेग्यूमिनस मतलब पल्सेस, ग्राम, जितने भी पल्सेस होती है, ग्राम होती है, उन सब की जो रूट्स होती है उसके अंदर लेग्यूमिनस ये प्लांट कहलाते हैं, इनकी रूट के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है जो नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर जो होता है प्लांट को प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आया कि किस तरह से सोइल के अंदर रिप्लेसमेंट होता है न्यूट्रिएंट का, रिप्लेसमेंट मतलब किस तरह से मिक्स हो जाती है और हेल्दी ग्रोथ करती है। अंडरस्टैंड, यहाँ पे आपको हेट्रोट्रॉफ सारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन मैंने पढ़ा दिए, ये चैप्टर आपका इस वीडियो में कंप्लीट हो गया है, इसे आप प्रिपेयर कीजिएगा। यहाँ पे आपको कीबोर्ड्स दिए हुए ऑटोट्रॉफिक्स, व्हेन अ ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड दिस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक्स, क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट फाउंड इन प्लांट पार्ट्स दिस इज कॉल्ड द क्लोरोफिल, एंड हेट्रोट्रॉफ्स व्हेन दोस डिपेंड ऑन द प्लांट्स एंड प्लांट्स पार्ट्स फॉर द फूड दिस आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉफ्स। होस्ट व्हेन एनी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव पैरासिटिक फोर्ड ऑफ न्यूट्रिशन एंड टेक द फूड फ्रॉम अदर्स दिस आर कॉल्ड द होस्ट्स। इंसेक्टिवरस दोज प्लांट इट इंसेक्ट दिस आर कॉल्ड इंसेक्टिवरस। न्यूट्रेंट विच फूड हैव ऑल कॉम्पोनेंट ऑफ फूड्स लाइक दिस कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन विटामिन मिनरल्स दिस इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट, एंड न्यूट्रिएंट फूड इज व्हेन वी टेक दिस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। एंड पैरासाइट व्हेन एनी ऑर्गेनिज्म लीव ऑन द ओनली अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर द फूड
दिस टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड पैरासाइट. कोई भी ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फूड के लिए डिपेंड होता है, उससे फूड लेता है एज ए होस्ट के रूप में, तो वह कहलाता है उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन पैरासाइट. एंड फोटोसिंथेसिस, ऑल ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. सेप्रोट्रोफ्स, व्हेन फंगी एंड मशरूम टेक द फूड फ्रॉम द डेड एंड डिकेड मटेरियल, दिस इज कॉल्ड द सेप्रोट्रोफ्स. एंड दिस टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सेप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. स्टोमेटा, स्टोमेटा आर स्मॉल ओपनिंग इन द लीव्स, स्मॉल ओपनिंग इन द लीव्स एंड दिस प्रोवाइड द कार्बन डाइऑक्साइड एंड दिस रिलीज द ऑक्सीजन फ्रॉम दिस, दिस इज कॉल्ड द स्टोमेटा. स्टोमेटा क्या होती है, लीव्स के ऊपर स्मॉल ओपनिंग होती है गैसेस जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के एक्सचेंज के लिए, वो कहलाते हैं स्टोमेटा. अंडरस्टैंड, आपको मैंने ये केस भी बता दी है.